गुरु जी लख लख शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, सारी संगत जी का शुकराना। पहले तो गुरु जी आंटी के घर आए थे, तब सेवा के लिए बुलाया योगिता आंटी के। तो अभी आंटी ने डेट बोली तो सारी बुक्स थी, पर सब डेटें हमारी बुक थी, पर एक पता नहीं कैसे ये दिन खाली था। कहते गुरु जी की प्लानिंग होती है, हमारी नहीं होती। तो गुरु जी एक दिन भी कहते हैं खाली नहीं बैठना, जाओ रोजाना सेवा में जाओ, तुम्हारे कर्म ऐसे ही कटेंगे। तो संगत जी जब आप इस दरबार में आ जाते हो, मैं हर रोज एक ही बात गुरु जी कहलवाते हैं और हर रोज अलग अलग संगत होती है, क्योंकि हम कभी कहीं होते हैं तो कभी कहीं होते हैं, हमारी सेवा होती है कभी दिल्ली कभी दिल्ली से बाहर, तो हर जगह गुरु जी भेज रहे हैं और हर रोज ऐसी संगत को भेज रहे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम आते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो जुड़े हुए होके भी जुड़े हुए नहीं है, वो फिर भी ये कहते हैं हम तो रोज सत्संग में जाते हैं, हमें तो सब कुछ पता है। लेकिन आपको पता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बहुत सीखना अभी बाकी है हमें। हम रोज सेवा करते हैं फिर भी रोज गुरु जी हमें नई नई बातें सिखा रहे हैं, सेवादारों को सिखा रहे हैं, संगत को सिखा रहे हैं। कहते हैं बच्चा भी जब बड़ा भी हो जाता है ना, तो बड़े जो होते हैं माँ बाप होते हैं, वो तब तक उसे कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। तो जब ये गुरु जी का दरबार ऐसा है, देखो पहली बात तो मैं हर जहाँ भी सेवा में जाती हूँ मैं होस्ट को यही कहती हूँ कि जहाँ भी आप दरबार गद्दी लगाते हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पे चेयर हम नहीं लगाते, क्योंकि हमें अगर किसी को चेयर पे बैठना है या बेड पे बैठना है तो वो दूसरे कमरे में जाके बैठते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज की गद्दी लगी होती है तो हमें हुक्म नहीं है कि हम उनके बराबर में बैठ जाएं। अब आज ही का सत्संग लो, वो आंटी इतनी परेशान थी जो अभी उठ के बैठी है पीछे, मेरे को लग रहा था वो बैठ ही नहीं पाएंगी। यहाँ एक अंकल जी ये बैठे थे, कितनी मुश्किल से बैठे थे जमीन पे, आपको नहीं पता मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। और बीच में इतने साल गुरु जी ने मुझे सही किया है, पर जब से मैं यूएस से आई हूँ मेरा घुटना ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने चौकड़ी मारनी ही नहीं है नहीं तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, पर फिर भी गुरु जी बिठा रहे हैं, क्योंकि शायद क्या 100% जैसे उन्होंने पहले ठीक किया वो आज भी हमें ठीक करते हैं करेंगे। तो कभी मत चिंता किया करो, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि जब गुरु बैठ गया काहे को डर रहे हैं, क्या हो जाएगा। अगर ऑपरेशन भी चल रहा होगा तो ये गुरु जी आएंगे पूरा औजार लेकर। देखा ना आपने, सुने हैं सत्संग पुराने कितने, कि गुरु जी ने ऑपरेशन थिएटर में जाके उनका चीरा फाड़ी करके और उनको किसी को चम्मच से और किसी को कैसे कैसे उन्होंने कर दिया ठीक। जब इनके ऊपर सरेंडर कर दिया तो अभी आपने कितनी प्यारी गुरबानी सुनी, नानक चिंता मत करो चिंता ताकी है। क्यों चिंता करनी है, जब उस प्रभु ने हमें बनाया है, हमें शरीर दिया है तो रक्षा भी वही करेंगे। और हम अगर मतलब मैं क्या करूं, मैं गुरुजी मुझे रोज बुलवाते हैं, कुछ लोग यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ तो सारे ही बैठे थे क्योंकि कुर्सी ही नहीं थी। कई जगह मैं जाती हूँ यंगस्टर भी होते हैं, अगर बैंक्वेट में या कहीं पे कुर्सियां नजर आ जाती हैं तो वो यंग बच्चे भी ना गाउन शाउन पहन के आते हैं, लहंगे पहन के आते हैं और कुर्सी पे बैठना प्रेफर करते हैं। और जब आप उनको देखोगे कि वैसे और बहाने बना देते हैं, जब मैं बोलूंगी नीचे बैठो हमारे घुटने में दर्द है, अरे क्यों गुरु के दरबार में झूठ बोलना, क्या पता कल तुम्हारे घुटने में सच्ची में ही दर्द हो जाए। और थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो डिस्को में डांस कर रहे होते हैं और इतना नाचते हैं कि रात भर घर नहीं आते। तो ये चीजें ना, गुरु से कुछ नहीं छुपता, कभी नहीं छुप सकता। उन्होंने क्यों कभी कभी किसी जगह पे वो क्यों नहीं कुर्सी लगाते हैं आपको पता ही नहीं है, कौन सा कर्म काट रहे हैं वो आपको नीचे बिठा के। जो हम डॉक्टरों के पास लाइन लगा के जाते हैं, मुझे दो दो इंजेक्शन लगते थे एक दिन में, दो, एक इधर हिप में और कभी कभी वेन में भी लग जाता, तीन तीन भी लगते थे। हमारे डॉक्टर कहते थे कि आपको तो सारी दवाइयां भी रट गई हैं, आप आधे डॉक्टर बन गए हो। रोज दवाइयां मैं खाती थी, मैं अब कोई दवाई नहीं कोई इंजेक्शन नहीं, एक आधी गोली बस बीपी खाती हूं मैं, इवन शुगर की भी छुड़ा दी उन्होंने मेरी। और सिर्फ इनका लंगर प्रसाद गुरु जी का, और जैसे इन्होंने हमें सेवा में बिठाया, और जहां आपको सेवादार बिठाते हैं आपको वहीं बैठना चाहिए। अभी भी इधर इधर के उधर होते रहते हो, उधर के इधर होते रहते हो, ये जगह चेंज नहीं करनी होती है। बार बार रोज रोज एक ही बात गुरु जी बुलवा रहे हैं, उन्हें रटा रटाया हो गया, जैसे कोई टीचर होती है ना रोज एक ही चैप्टर पढ़ाती होती है। मैं फिर कहती हूँ गुरु जी मेरे को रोज एक ही बात, कहते आज कोई और संगत आई है, जरूरत है सत्संग दी। तो आगे से कभी भी आप सत्संग में जाओ, अब अनजाने में तो चलो जो हो गया सो हो गया, जब कभी आगे से जाओ तो अपनी जगह पे ही बैठा करो, क्योंकि वो धरती जो है आपको एनर्जी और ऑरा देती है, ब्लेसिंग देती है।
और गुरु जी यहाँ से दे रहे हैं, तो अपनी जगह मत छोड़ा करो कभी भी, और नीचे बैठा करो। जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरे को पता है आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, मुझे झुकना भी बना था, मैं तो अब ये झुकना खड़े रहना ये सब मुझे मना था, पर आज गुरु जी 8-8, 10-10 घंटे के सफर और खड़ा करना, और अभी तो यहाँ तो चलो आज मैं बैठी हूँ, अब कल जहाँ सत्संग था बैंकुट में 300 संगत थी, बैठे ही नहीं, हम सब खड़े हुए थे, तो वो उनकी मर्जी है, वो खड़ा करके मेरा घुटना ठीक कर रहे थे ना, मुझे इतना पेन हो रहा था उन्होंने खड़ा रखा मुझे। उस टाइम आपको दर्द जरूर होगा, मैं आपको बताऊं, जब आप बैठते हो ना एक बार तो कड़ल्ला जरूर बोलता है, कड़क हो जाता है वो, लेकिन वो ठीक करने का उनका तरीका होता है। और जब आप 2 घंटे ऐसे ऐसे मैंने सत्संग में गई हूँ जहाँ 20-20 साल से संगत नीचे नहीं बैठी है, और जब मैंने हाथ जोड़े तो वो बैठ गए, और जाते आते मेरा शुक्राना कर रहे, मैं कहा मेरा मत करो इनका करो, मैं कौन हूँ, मेरा थोड़ा ना करोगे, आपको तो इन्होंने बिठाया है, मैं तो सबको ही बोलती हूँ बैठो, कोई बैठता है कोई नहीं बैठता। अब मेरा कहना अगर मानना हो तो फिर सारे ही ना बैठ जाए जमीन पे, अगर हमारा ही कहना मान, आप तो इनके कहने में हो ना, तो इन्हीं का कहना माना करो, जमीन पे बैठो, सारी बीमारियां खत्म, और वहीं बैठ के लंगर प्रसाद खाओ, एंड तक वहीं बैठो। लंगर प्रसाद खाते हो ना, अपनी जगह पे बैठ के खाया करो, वो ब्लेसिंग होती है, वो भोग होता है, उन्होंने लगाया है। अभी भी ये थॉट्स देते हैं गुरुजी, व्रत है तो वैसे तो आजकल इस बार नवरात्रों में गुरुजी ने बहुत मेरे से कहलवाया है सबको ही कि आप ना लंगर प्रसाद भी ना वही रख लो जो नवरात्रों का है, सबको दे दो, क्योंकि हम क्यों अनजाने में हमें पाप लगता है, हम मना करते हैं खा लो वो नहीं खाते, घर लेके जाते हैं, लेकिन अब कड़ा प्रसाद तो बन ही जाता है, तो जब आप कड़ा प्रसाद खा रहे हो ना तो आपका व्रत कभी नहीं टूटेगा, वो क्योंकि वो भोग लगा दिया मालिक ने और वो सचखंड का प्रसाद हो गया। जब आप बड़े मंदिर जाते हो या गुरु जी के टाइम पे गुरु जी इतना इतना सारा कड़ा प्रसाद परात में से उठा के देते थे और आपको खाना पड़ता था। अभी एक आंटी थी यहाँ बैठी हुई थी, आपकी फ्रेंड वो चली गई हैं, तो उनकी प्लेट में 3 पेठे थे, वो बेचारी नहीं खा पा रही थी। वाकई में कभी कभी सेवादारों से भी हो जाती है गलती, हम तो कहते हैं एक ही पीस डालो मीठे का, पर अगर 3 डलवाए हैं चाहे गलती से डाले हैं, पता नहीं उसका कौन सा कोई दुख काट रहे होंगे मीठा खिला के वो नहीं खा पा रहे, लेकिन हाँ हम फिर भी सेवादारों से हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि थोड़ा दिया करो, आप ज्यादा प्रसाद मत दिया करो जितना वो खा सके। चलो मैंने तो सेवादार बड़े अच्छे हैं, उनकी गलती ना भी हो ना वो फिर भी सुन लेते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं आंटी आपने बोल दिया ना कोई नहीं, हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे हम आपस में बने ही इसलिए हैं, हम जब यहाँ से जाते हैं या हम आते हैं हमारी कोई गलतियाँ होती ना हम आपस में गाड़ी में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, हम उसे घर तक नहीं लेके जाते हैं, और ना ही हम इनको फोन करके आपस में बोलते हैं तूने ये कि यही खत्म कर देते हैं हम बात को कि आगे से हम वो गलतियां ना करें, तो क्योंकि सेवादारों से भी तो गलती हो जाती है, कई बार हो जाती है, शुक्राना है मालिक का उन्होंने सेवा में खड़ा किया हुआ हम लोगों को। और सच में आप सब जो ज्यादा आप शुक्राना किया करो, जो सेवादार है ना उनको नहीं शुक्राना करना ज्यादा, क्योंकि उनके तो भी कर्म बहुत कटने बाकी हैं, वो तो आपके आज नौकर हैं, आप वो आज रानी महारानी या राजा रानी हो, आपको यहाँ बिठा के इतने प्यार से प्रेम से जल प्रसाद चाय प्रसाद जूठे बर्तन उठाना लंगर देना, आपको रुतबा दिया है गुरु ने अपने बराबर का। गुरु कहते हैं मेरे बाद मेरी संगत का नंबर आता है, सेवादारों का बहुत बाद में आता है, बड़े खुश होती है संगत, हाय सेवादार खड़े हैं देखो हम भी कभी सेवादार बन जाएं। सोचो आपको सत्संग सुनने का मौका मिलता है, इनको मिलता है क्या, इधर उधर ही होते रहते हैं, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं, हम भी आपको मौका दिया गुरु ने अपने अपने साथ बिठाने का। गुरु जी सत्संग सुन रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हो, बराबर बराबरी किसकी हो रही है, आपकी और इनकी। क्यों गुरु जी कहते हैं संगत में मैं बसता हूं, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, किस रूप में गुरु आके बैठे हुए, तभी तो हम कहते हैं फोन को तो देखना ही मना है, फिर भी देखते रहते नहीं देखना, फोन सबसे बड़ा दुश्मन है गुरु जी का। आपने फोन देखा सारी ब्लेसिंग उसको चली गई जिसका आप देख रहे हो, और सच में कई बार तो ऐसा होता है इतना बड़ा कोई हमारा दुश्मन होता है अचानक से स्क्रीन पे नजर आता है, इसका मैसेज आया इतने सालों बाद पता नहीं क्या कह रहा होगा, जैसे आपने टिक करा आपके दुश्मन को सारी ब्लेसिंग वैसे तो कहते हैं अपने दुश्मन के लिए ब्लेसिंग मांगो, लेकिन क्यों अपनी ब्लेसिंग को ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी ब्लेसिंग अपनी है। इस दरबार के अंदर आते ही फोन बंद, ये अंकल जी सेवादार है सेवा करते हैं फिर भी फोन का यूज करते हैं,
मना करा आपको उन्होंने कि फोन नहीं यूज करो, आंटी ने आपको दो बार मना किया। चलो तो कभी भी